बस्तर की इनकलाबी धरती, क्रांतिकारी लोगों की धरती, मां दनेश्वरी की धरती, दनेश्वरी माता की धरती, और अपने हकों के लिए लड़ने वाले और जुल्म के खिलाफ अड़ने वाले लोगों की धरती बस्तर की, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग इतनी भारी गिनती में, इतनी भारी संख्या में चल के आए हैं। ये मंजर जो है जी, आज से 1.5 साल पहले, आज 16 तारीख हो गई, 16 सितंबर, आज पंजाब में सरकार बने को पूरा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले ये वाला मंजर हम पंजाब में देखते थे कि इतना कट होता था, लोग अपने आप आते थे और नारे लगाते थे, अपनी गाड़ियां लेके आते थे, खुद ब खुद आते थे। ये बदलाव की निशानी है। आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ की पूरी टीम है, हमारे बीच राज्यसभा के मेंबर हैं जो आपकी धरती को बिलोंग करते हैं, यहां से उनका नाता है, डॉक्टर संदीप पाठक जी माननीय सांसद हैं, यहां के प्रधान साहब, प्रभारी साहब हैं, पूरी टीम हमारी बैठी है। पंजाब से भी मुझे कुछ एमएलए मेरे नजर आ रहे हैं जो यहां पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे बीच वो आदमी है जिसने हेलीकॉप्टर में उड़ने वालों को रोड शो और डोर शो करने लगा दिया, मेरा मतलब अरविंद केजरीवाल। पहले वो नीचे नहीं उतरते थे, हेलीकॉप्टर से ऐसे ऐसे करके वोट डल जाते थे, उनको पता था लोग कहां जाएंगे, 5 साल बाद हमारे पास ही आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली, अब उनके मैनिफेस्टो में भी स्कूलों की बात करने लगे हैं वो, अब वो भी बिजली की बात करने लगे हैं, अब वो भी अस्पतालों की बात करने लगे हैं, अब वो भी रोजगार की बात करने लगे हैं। उनके मैनिफेस्टो बदल दिए भाई साहब, बहुत बड़ी बात होती है ये, उनके मैनिफेस्टो बदल दिए। छत्तीसगढ़ की धरती को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जंगल है, कोयला है, बहुत कुछ है, लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन एक बात की कमी रह गई, नेता अच्छे नहीं मिले, वो लूट लूट के खा गए, वो खा गए लोगों के पैसे को, खजाने को लूट के खा गए वो। किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पे अगर ये नेता लोग बस जाते, तो आम लोगों के प्यासे होंठ भी दो बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, शहीदों के कफनों में से पैसे खा गए, शहीदों के कफन में से पैसे खा गए। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो छोड़ दिया इन्होंने कि यहां से नहीं खाए इन्होंने। तो भाई साहब, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, दिल्ली के कामों के बारे में आपको सब कुछ पता है, कैसे स्कूल वहां सरकारी स्कूल शानदार बन गए, 4 लाख के आसपास बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकालकर अब उनके माता पिता ने सरकारी में उनकी एडमिशन करवा दिया है। और दिल्ली में वो काम कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, जो 75 साल तक जो अपने आप को बड़े बड़े नेता कहलाने वाले नहीं कर सके थे। दिल्ली के स्कूलों में एक ही बेंच पर एक जज का बेटा, एक कलेक्टर का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले या रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं। भाई साहब, आप सोच सकते हैं कब क्या आपका बच्चा वहां पढ़ेगा, उस स्कूल में जहां जज का बेटा पढ़ रहा है, जहां नेता का बेटा पढ़ रहा है, सोच सकते हो आप? नहीं सोच सकते। ये काम करना अगर आता है तो अरविंद केजरीवाल जी को आता है, जो खुद एक बहुत बड़े अफसर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी छोड़ के देश की सेवा में आ गए। कौन छोड़ता है भाई साहब, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता,
इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, वो छोड़ के देश की सेवा में आ गए। ये भी पता था आलोचना होगी, ये गालियां देंगे, गालियां देते रहते हैं। बिजली फ्री कर दी दिल्ली में, पंजाब में भी हमने बिजली फ्री की गारंटी दी। मार्च में सरकार बनी, 16 मार्च को सेरेमनी थी। 1 जुलाई से, पिछले साल की 1 जुलाई से पंजाब में लगभग 85 से 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है जी, और बिजली 24 घंटे आती है, बिल नहीं आता। और बिजली बोर्ड पर भी कर्जा नहीं चढ़ा, हमने चढ़ाया, उनको भी पैसे दिए हमने। 664 डेढ़ साल में 664 आम आदमी क्लिनिक खोल दिए, 50 लाख से ज्यादा लोग वहां से दवाई लेके ठीक होके जा चुके हैं, 40 किस्म के टेस्ट हैं, 90 किस्म की दवाइयां वहीं पे मिलती हैं। हमने दिल्ली से सीखा था ये इस्तेमाल, जो तजर्बा जो है ना वो कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। कहते हैं कि तजर्बा जो है ना, एक्सपीरियंस वो कंघा है जो आदमी को तब मिलता जब वो गंजा हो जाता है। फिर कंघे का फायदा क्या भाई, अब गंजे ही हो गए। इसलिए दूसरों का तजर्बा इस्तेमाल करो, कंघा उस समय ले लो जब आपके सर पे बाल हो। दूसरों का तजर्बा जो है वो काम आता है, हम दिल्ली का तजर्बा यूज कर रहे हैं। और क्या कहते हैं हमें, क्या कहते हैं, केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, केजरीवाल फ्री शिक्षा दे रहा है, केजरीवाल फ्री इलाज करवा रहा है, ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। मोदी जी कहते हैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, हां अगर किसी गरीब को 300 यूनिट माफ कर दिए बिजली के, किसी गरीब की शिक्षा बच्चे की फीस माफ कर दी, किसी गरीब का इलाज फ्री में करवा दिया, तो ये फ्री की रेवड़ी जो 15 लाख वाला पापड़ आपने बेचा था वो कहां गया फिर? 15 लाख घर 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 में 15 लाख आ जाएगा। देखो इंद्र देवता भी खुश है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए। तो हम आपको ये कहने के लिए आए हैं कि इनकी बातों में मत आना। ये नए नए झुमले सुनाएंगे, इनके झुमले जो हैं उनके झांसे में मत आना, क्योंकि ये 15 लाख वाला झुमला निकला और कई बार ये कह चुके हैं इतने करोड़ नौकरियां दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं किया भाई साहब, लूटने के सिवा। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था, मैंने कहा कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात ही झुमला निकली। अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है, चाय भी नहीं बनानी आती होगी, वो भी झुमला ही होगा भाई साहब। तो आज छत्तीसगढ़ की धरती पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, लेकिन आपकी जो यहां पर ये जुनून जो है ये बता रहा है। देखो कुर्सियां नीचे होती हैं लेकिन आपने कुर्सियां सर के ऊपर रख ली हैं। इस किस्म की रैली भी आम आदमी पार्टी कर सकती है, बस ये कुर्सियां इनके नीचे से छीन कर पब्लिक को देनी है, बस यही हमारा मैनिफेस्टो है, यही हमारा मैनिफेस्टो है। 2-3 मिनट की बात है, क्योंकि सामने मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर आसमान नजर आ रहा है। तो आपको ऐसे जुनून के साथ आते हुए देखकर दिल को खुशी हुई। और जो अरविंद केजरीवाल को गालियां देते हैं उनको ये डर है कहीं अरविंद केजरीवाल ये पूरे देश में ना फैला दे, अस्पतालों वाली बात, शिक्षा वाली बात, बिजली वाली बात, रोजगार वाली बात,
अगर पूरे देश में फैल गई तो हम क्या करेंगे, हमारे कमीशन मर जाएंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं सब कुछ। आपको पता ही होगा भाई साहब, आपको पता ही होगा मोदी जी का नारा, एक देश एक दोस्त, बस एक दोस्त है, उसी को लुटा रहे हैं सब कुछ। तो मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों को कि बीजेपी वालों, जब भी आप पब्लिक के पास जाने वाले हैं और लोग आपसे ये पूछने वाले हैं कि आप अपने एक ही दोस्त को सब कुछ लुटाने वाले हैं, वैसे भी 6-8 महीने में आप देश से जाने वाले हैं, लेकिन जाते जाते तो बता दो कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। अच्छे दिनों वाला जुमला जो था वो, जो अच्छे दिनों वाला जुमला था वो जुमला निकला। तो आज आपके पास, वाह जी, आपका जुनून, बहुत बहुत आपके लिए, इस बात के लिए शुक्रिया। बस्तर की धरती पर आज कुछ नया सोच, नया विचार लेके जाना है, बदलना है ये सिस्टम। बहुत हो गया, 70 साल हो गए, 70 साल हो गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। 1.5 साल हो गए भाई साहब पंजाब में सरकार बने हुए, आज पूरे 1.5 साल हुए हैं। पूरी 36,097 सरकारी नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं मैं, 36,097 सरकारी नौकरी। पुलिस में भर्ती हुई, बिजली बोर्ड में एसडीओ रखे गए, पटवारी रखे गए, नए क्लर्क रखे गए, नए हरेक विभाग में ऑफिसर रखे गए, हर किस्म की भर्ती हो रही है और लगातार चल रही है। पेपर होता है हमारे यहां, पेपर लीक नहीं होता है, हमारे पेपर लीक नहीं होता है, पेपर होता है। और जिसके नंबर आते हैं, जिसके नंबर आ जाते हैं मेरिट में, उसको सरकार घर से लेके आती है, तेरा नंबर आ गया, तुझे इतनी तारीख को नौकरी मिलेगी, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं। आप में से कितने लोग बेरोजगार हैं, कुर्सियां खड़ी करके बताओ, कितने बेरोजगार, सारे बेरोजगार। देखो बेरोजगारी हाल, तो ये बेरोजगारी दूर करनी है। अब आप बता दीजिए, एक बात मैं आपसे पूछने वाला हूं, अगर आदमी कोई, अब आपको कैसे नौकरी मिलेगी, मैं इसका कारण बता रहा हूं, अगर कोई आदमी थोड़ा कामयाब हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, तो उसके 50 दोस्त निकल आते हैं, मेरा दोस्त है ये, बचपन में हम इकट्ठे खेलते थे। अगर वो आदमी एमपी जब मुख्यमंत्री हो जाता है तो हजारों दोस्त निकलाते हैं, हम इकट्ठे खेलते थे, आप नाम लेके देखना मेरा, मुझे पर्सनली जानते हैं। अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो हजारों दोस्त निकलाते हैं, क्लास फेलो निकलाते हैं, जो नहीं भी पढ़ते थे उस कॉलेज में वो भी कहते हैं मैं इनके साथ पढ़ा हूं। लेकिन मुझे ताज्जुब हैरानी है, 9.5 साल हो गए, मोदी जी का एक भी क्लास फेलो बाहर नहीं आया कि मेरे साथ पढ़ते रहे हैं वो, पता नहीं तो भेष बदल के जाते थे कॉलेज, पता नहीं तो जाते ही नहीं थे। अभी क्या किया है, जीएसटी लगा दिया सब चीजों पर। अभी नई खबर है कि जो हॉस्टल हैं, स्कूल और यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं, उन हॉस्टलों की फीस पर जीएसटी लगा रहे हैं 18%। हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनकी जो फीस है हॉस्टल की, उस पर जीएसटी लगा रहे हैं 18%। इसका मतलब तो ये नया नारा होना चाहिए बीजेपी का कि ना खुद पढ़ा हूं ना किसी को पढ़ने दूंगा। उनको क्या पता फीस देने में कितनी दिक्कत होती है, मेस का बिल कैसे आता है, कभी हॉस्टल में गए हो तो पता चले, चौथी क्लास का आपको पता ही है,
कहानी सुनाते हैं सीएम साहब चौथी पास राजा, तो इनकी बातों में मत आना। हमने हमारा तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा है जो सफाई करता है, झाड़ू। और आपको पता है जब से झाड़ू चुनाव चिन्ह है, ये बीजेपी वालों ने अपने घर में जो सफाई वाले हैं उनको ये बोल रखा है सीधा पोछा लगाया करो, झाड़ू घर में नहीं आना चाहिए, ये सफाई करता है। तो झाड़ू की सफाई तो हो। ये झाड़ू से हम पहले सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा जी। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और जो कर सकते हैं वही कहते हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग आम घरों से निकले हुए हैं। हमारे दादा हमारे बाप कोई राजनीति में नहीं थे, हम तो देश को बचाने के लिए निकले हैं। रामलीला ग्राउंड से एक पार्टी निकली, उसके हम सदस्य हैं। और हुकूमत वो करते हैं, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। जय। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये देखो कितने सालों की भड़ास है जो निकल रही है, ये आम नारे नहीं है, ये किराए पे नहीं लेके आए हम इनको के मोदी मोदी बोलना है, ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक यही फायदा है। बस यही है, ऐसे ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। पंजाब में भी ऐसा होता था, बिल्कुल ऐसा होता था, मुझे लग रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कहां बोल रहा हूं, ये पंजाब में संगरूर में बोल रहा हूं या बस्तर में बोल रहा हूं, मुझे फर्क नहीं नजर आ रहा, क्योंकि समस्याएं भी एक जैसी हैं, उसका हल भी एक ही है, आम आदमी पार्टी, एक ही हल है बस। हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी मुहिम चलाई, बड़े बड़े मंत्रियों को पकड़ के अंदर किया जेल में, जिनके घरों से हमें नोट गिनने वाली मशीनें मिली, इतने नोट कमाए कि नोट गिनने वाली मशीनें रखनी पड़ रही थी उनको, वो सारा पैसा हम अटैच करके उनकी प्रॉपर्टीज, सारा पैसा पंजाब के खजाने में आ रहा है और खजाने का मुंह लोगों की तरफ कर दिया। बिजली फ्री, इलाज फ्री, शिक्षा स्कूल अच्छे बन रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, इंडस्ट्री आ रही है। यही करना छत्तीसगढ़ में, यही यहां पर होगा, क्योंकि इनको पता नहीं है। इनको यह लग रहा था पांच साल मैं पांच साल तू, बारियां थी इनकी बारियां। अंग्रेज जो हैं उन्होंने तो 200 साल कट्ठे लूटा था, ये हमारे वाले पांच पांच साल की शिफ्टें किश्तें देते हैं हमें, और जितनी लूट इन्होंने की है अंग्रेज भी शर्मिंदा होंगे कि 200 साल में हम उतना नहीं लूट पाए जितना जी इंडिया वाले अपने आप को लूट के, अपने आप को ही। कुछ भी बोल देते हैं जी, कोई भी बात बोल देते हैं जी, कोई है कोई इनका दीन ईमान। हमारे देश को उतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना हमारे वालों ने लूट लिया, तो ये लूट बंद करनी है और लोगों को आगे लेके आना है, आपके बच्चे बच्चों को हमने आगे लेके आना है, जो नेता हैं उनके नेताओं के बेटों को और उनके बेटों को बच्चों को रिश्तेदारों को बोल दो कि अपना बोरी बिस्तरा बांध लें, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, आम जो बच्चे। एक बात और बोलना चाहता हूं, अभी 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया ना, लेकिन ये तो नहीं बताया ना बढ़ाया कितना था, वो वाली बात है। ये बात गांव में जाके अपने सुनाना जरूर है हर एक बंदे को कि भगवंत मान आया था बस्तर में, ये बात बता के गया। एक घर में शादी थी लड़की की, जो ये 200 रुपए वाला सिलेंडर आखिरी महीने में किया ना उस पर है,
लड़की की शादी थी, घर जिम्मेदार बड़े थे, तो उन्होंने कहा बड़ी शादी करनी है, एक प्यारी बेटी है, उसके लिए सामान इकट्ठा किया, बड़े बड़े टीवी, सोने के गहने, चांदी के गहने और ये अलमारियां, बड़े बड़े बेड, बहुत सामान इकट्ठा किया कि बेटी को देना है। एक रात पहले, अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है, शादी है, तो डाकू ट्रक लेके आए, उन्होंने लड़की वालों के सारे परिवार को एक कमरे में अंदर जिंदा लगा दिया, ताला लगा दिया और सारा सामान ट्रक में भर लिया, सोना चांदी सब। चलने से पहले डाकुओं का जो सरदार था उसने पूछा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? वो कहते सरदार इस कमरे में है, खोलो। खोला और अंदर जाके बोला, किस लड़की की शादी है? वो बेचारी डरती डरती खड़ी हुई, मेरी है जी। तो डाकू ने 100 रुपए का नोट निकाला, ये बेटा शगन ले ले, आशीर्वाद है हमारा, खुश रहो। चले गए, चले गए। अगले दिन पुलिस आई, भाई साहब उस घर का कोई भी जी, उस घर का कोई भी बंदा पुलिस के पास डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं था। कहते लूट के भले ही ले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। वो वाली आपके साथ होती है भाई साहब, देश की जनता के साथ। 4.5 साल लूटते हैं और आखिर में, आखिरी 6 महीने में 200 रुपए का सिलेंडर का शगन दे देते हैं, ये शगन ले लो। और हम समझते हैं बंदे बड़े अच्छे हैं, चाहे 4.5 साल लूटा है लेकिन सिलेंडर का शगन दे दिया 200 रुपए। भाई साहब इनकी बातों में मत आना, हमने तो ये देखे हुए हैं, भगाए हुए हैं। आपको पता है बीजेपी दिल्ली में पहले बार 2015 में कितनी सीट थी? आम आदमी पार्टी की 67, इनकी 3, और पंजाब में 117 सीटें हैं, इनकी कितनी है? बीजेपी वालों की 2। मैंने कहा स्कूटर पे बैठ के आ जाए वो विधानसभा, ये वाली पार्टी है ये, तो इनको भाई साहब सफाई कर दी। आम आदमी पार्टी जहां जाती है सफाई कर देती है, इसी बात से ये डरते रहते हैं, हैं कभी हमारी रैली को रोक लो, कभी बोर्ड ना लगने दो, कहीं हमारे पोस्टर उतार दो, तो ये वाली दरियाओं को रोका नहीं जा सकता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी 2 नारे लगाने हैं, क्योंकि इनकलाबी धरती है, अंग्रेजों के खिलाफ जुल्मों के खिलाफ लड़ती रही है, जिस धरती से मैं आया हूं पंजाब से, वो भी इनकलाबी धरती है, शहीद भगत सिंह की धरती है, करतार सिंह सराबा की धरती है, राजगुरु सुखदेव की धरती है। तो इनकलाब का नारा लगाएंगे, इतना जोर से लगे कि इनको पता चल जाए, दोनों हाथों पर उठाकर इनकलाब। देखो यहां पे बीजेपी वाले भी आए होंगे, भाई आना पड़ता है उनको, उनके आका उनको भेजते हैं, जाओ देखो। वो क्या बताएंगे जाके, उनसे पूछा जाएगा भगवंत मान ने क्या बोला? बोल जी हाँ ये बोला। केजरीवाल ने क्या कहा? जी उन्होंने ये कहा। फिर वो पूछेंगे नारे जो लग रहे थे वो कितनी जोर से लग रहे थे? तब इतनी जोर से नारे लगाओ कि वो उनको ये बोलने पर मजबूर हो जाएं, बीजेपी के जो आए हुए हैं, कि जी इसमें हमसे पूछने वाली बात कौन सी है, आपके घर पे भी तो सुने ही होंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से मुझे सुना, इतना प्यार इज्जत मान दिया। खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। लोगों को अक्सर कहते सुना है, लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।